प्रातः क्लास चल रहा था 17/12/1967 रविवार को दूसरे पेज के मध्याध में बात चल रही थी शिव बाबा के वर्ष के बारे में और ब्रह्मा बाबा के वर्ष के बारे में। तो पूछा है ब्रह्मा बाबा का वर्षा किसको कहेंगे है? और शिव बाबा का वर्षा किसको कहेंगे, कुछ अंतर है या नहीं है? क्योंकि कोई ने प्रश्न पूछा है क्लास में, आप भी तो बाबा हैं, किससे पूछा है? आप भी के हाँ दादा लिखराज ब्रह्मा से पूछा है, आप भी तो बाबा हैं, भी लगा दिया है माने शिव बाबा तो है ही बाबा, आप भी बाबा हैं तो आपसे वर्षा मिलता है। माना पूछने वाले की बुद्धि में ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है, शिव बाबा नहीं बैठा हुआ है, तो दोनों के वर्षे में कोई अंतर है? क्या अंतर है? शिव बाबा से डायरेक्ट वर्षा मिलता है, वो ब्रह्मा बाबा से जो वर्षा लेते हैं उनको भी ब्रह्मा बाबा से डायरेक्ट नहीं मिलता है? शिव बाबा ज्ञान धन का वर्षा देते हैं। अच्छा हाँ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के वर्षे में अंतर मुख्य ये है, कम कला का वर्षा देते हैं। अच्छा 16 कला का वर्षा नहीं देते हा? कलाबद्ध का वर्षा कौन देता है? कलाओं में बंधा हुआ वर्षा कौन देता है और कलातीत का वर्षा कौन देता है? है? कलाबद्ध का वर्षा कौन देता है? 16 कलाओं में सही, कम कलाओं में नहीं है। हाँ कलाबद्ध का वर्षा ब्रह्मा बाबा देता है। अच्छा लेता नहीं है कलाबद्ध का वर्षा, कलाओं में बंधा हुआ वर्षा ब्रह्मा बाबा लेता नहीं है? लेता तो है, तो फिर ऐसे कहेंगे कि हाँ लेगा तो दूसरों को उससे कम वाला ही देगा, खुद 16 कला लेगा तो दूसरों को 15 कला का देगा, दूसरों माने अपने बच्चों को। लेकिन लेता किससे है कलाबद्ध का वर्षा है? लिखता जाता है शिव बाबा, फिर सारे लाता जाता है, नहीं 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 शिव बाबा कलाबद्ध का वर्षा देने आए हैं। अच्छा है आदि नारायण, आदि नारायण जो है वो कलाओं में बंधा हुआ वर्षा देता है। अच्छा तो कलाओं में बंधा हुआ वर्षा किसके द्वारा देता है? है? अच्छा कलाओं में बंधा हुआ वर्षा ब्रह्मा बाबा के द्वारा देता है। अच्छा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कलाओं में बंधा हुआ 16 कला संपूर्ण वर्षा देता है ब्रह्मा बाबा, 16 कलाओं में बंधा हुआ वर्षा जो है ब्रह्मा बाबा देता है कि लेता है सिर्फ? वो तो लेता है, देता कौन है, किसके द्वारा देता है? देने वाला चलो आदि नारायण है, बाप है, लेकिन देता किसके द्वारा है? आदि लक्ष्मी के द्वारा देता है, देता है ना, और उसका फाउंडेशन कहां पड़ता है? हैं? उसकी शूटिंग कहां हुई?
आदि यज्ञ में उसका नाम नहीं है आदि यज्ञ का, ओम मंडली नाम है ना। तो ओम मंडली में जो आदि नारायण बनने वाली आत्मा प्रजापिता है, वो बीज डालती है। क्या? ज्ञान का बीज डालती है। और अहम बीज प्रदपिता बोला है ना, गीता में भी बोला है। तो उस मुकर रथ में प्रवेश करके शिव बा को बोलते हैं कि मैं बीज ज्ञान का बोने वाला पिता हूं। तो जिसमें बोता है उसका भी तो फर्ज है कि वो किसी को देता है। तो वो पुरुष तन है तो कोई माता को ही देगा। तो वो आदि लक्ष्मी है आदि लक्ष्मी यज्ञ के आदि में शूटिंग करती है, रिहर्सल करती है। क्या है? बताने की दादा लेखराज ब्रह्मा को। क्या बताने की? कि तुम्हारी साक्षात्कारों का ये अर्थ है, उसमें मूल बात है कि तुम कृष्ण की आत्मा हो। सतयुग के आदि में तुमको 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनना है। ये वर्षा मिला कि नहीं? आदि में सो अंत में भी। तो ऐसे है। पूछा, ब्रह्मा बाबा का वर्षा किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? किसको दिया ब्रह्मा बाबा ने जो वर्षा दिया, वो किसको दिया कि नहीं दिया? किसको दिया है? अरे इतनी देर लगाते, किसको दिया है? लक्ष्मी नारायण को है? तीन लक्ष्मी नारायण को दिया, थर्ड लक्ष्मी नारायण को दिया ब्रह्मा बाबा ने। अच्छा, सेकंड लक्ष्मी नारायण को नहीं दिया है? सतयुग का जो सेकंड लक्ष्मी नारायण है उसको नहीं दिया? हाँ, अपने बच्चों को माना प्रकाशमणि दादी को या विश्व किशोर को दिया है? वही आत्मा है जो इस्लाम धर्म में जाती है। तो किसको कहेंगे है? इस्लाम धर्म की आत्माओं को कहेंगे, इस्लाम धर्म के जो भी हैं आधारमूर्त। हाँ, तो वो जागीर बुद्धि में तो आती है ना तुम बच्चों को कि ब्रह्मा बाबा ने वर्षा अपना किसको दिया और शिव बाबा कौन सा वर्षा देते हैं, और शिव बाबा जिसको वर्षा देते हैं वो क्या वर्षा देता है। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षे में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो बरोबर अलौकिक लौकिक में तो अभी भी बहुत बच्चे हैं। वो मालूम है कि बाप का वर्षा मिलता है कुछ न कुछ, चाहे वो लौकिक बाप हो या अलौकिक बाप हो या पारलौकिक बाप हो, कुछ न कुछ वर्षा तो मिलता है। अलौक मां अलौकिक बाप माने अलौकिक, इस लोक का नहीं, माने इस लोक में तो साकारी मनुष्य लोक मनुष्य रहते हैं या निराकारी आकारी रहते हैं? साकारी रहते हैं। तो आकारी वर्षा देने वाला आकारी सूक्ष्म शरीरधारी होगा ना, तो सूक्ष्म शरीरधारी होगा, सूक्ष्म शरीर लेता होगा तो सूक्ष्म शरीर का वर्षा देगा। खुद का ही सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो सूक्ष्म शरीर का वर्षा देगा? और सूक्ष्म शरीर मिलता किनको है? सूक्ष्म शरीर उनको मिलता है जो बहुत पाप करते हैं, तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है ताकि उनको उस जिंदगी में ज्यादा पापों का बोझ ना बढ़ जाए, कमरी टूट जाएगी ज्यादा बोझ बढ़ेगा तो। तो तुम बच्चों को जो वर्षा मिलना है,
वो तो नहीं है ना बच्चे, कौन सा कमकलाओं वाला बरसा तो नहीं है ना। हाँ, नहीं, वो कहाँ, वो बेहद की बादशाही कौन सी है? अरे बेहद की बादशाही का कोई नाम है? कहाँ वो बेहद की बादशाही और कहाँ हद की बादशाही। हाँ, विश्व की बादशाही, विश्वनाथ क्या कहा जाता है, जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, सारे विश्व का नाथ, तो बेहद की बादशाही हुई ना। हा? तो ये तो उनसे ही मिल सकती है। किन से है? जो निराकार और साकार आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, उनसे ही मिल सकता है। और कॉम्बिनेशन भी कैसा है कि एक निराकार और दूसरा साकार बना रहे, तो नहीं, दोनों ही निराकारी स्टेज धारण कर लें हैं, मुकर्रर रथधारी आत्मा प्रजापिता भी और शिव बाप, वो तो है ही निराकारी सदाकाल, तो उनसे ही वर्षा मिल सके। उनसे कह के बहुवचन क्यों किया? क्योंकि दो आत्माएं हैं कि एक आत्मा है? दो आत्मा का कॉम्बिनेशन है ना, इसीलिए उनको बड़ा बाबा कहा जाता है। क्या छोटा बाबा छोटा वर्षा देगा और बड़ा बाबा बाबा बड़ा बाबा बड़ा वर्षा देगा, है समझा? कि बड़ा बाबा कौन और छोटा बाबा कौन, ब्रह्मा कुमारियों से पूछो बड़ा बाबा कौन छोटा बाबा कौन, तो क्या बताएंगे? शिव निराकार बड़ा बाबा है और ब्रह्मा बाबा छोटा बाबा। अरे भाई, शिव निराकार जब तक है तब तक वो बाप है या बाबा है? बाप है, वो बाबा थोड़े ही होता है? हाँ, निराकार, हाँ, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर है, जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है, वो जब किसी रथ में प्रवेश करे, तो खासकर मुकर्रर रथ में प्रवेश करे, तो सब प्रकार के संबंध बनते हैं, जिसके लिए गाते हैं, तुमेव सर्वम मम देव देव, गाते हैं ना, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु च सखा, तुम मेरे भाई भी हो, तुम मेरे दोस्त भी हो, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो दूसरे संबंध तो तब बनते हैं शिव के साथ, है शिव निराकार ज्योतिबिंदु सदा शिव के साथ, कब, जब कि शरीर में हम कर रहे थे, मैं प्रवेश करें, इसलिए ही बाबा ये कहते हैं कि मुझे नहीं याद करो। कौन से बाबा कहते हैं? हैं? कि मुझे याद नहीं करो, कौन से बाबा कहते हैं? हाँ, छोटे बाबा, दाढ़ी मूछ वाले, वो छोटा बाबा है। हाँ, वो ही छोटा बाबा। बाबा कहते हैं कि मुझे याद नहीं करो, क्यों नहीं याद करो? हाँ? कारण क्या? कि मेरे से तो है कम कलाओं का वर्षा मिलेगा, जितना मेरे को मिला है 16 कला संपूर्ण वर्षा, वो भी नहीं मिलेगा, उसमें भी कुछ मैं कम करके दूंगा। हाँ ना, कि पूरा देगा नहीं, तो मुझे याद नहीं करो कि मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी? मैं तो सारी प्रॉपर्टी जो मेरे पास थी स्थूल धन संपत्ति की, मैंने तो सब शिव बाबा को दे दी, मेरे पास कहां कोई प्रॉपर्टी रह गई, तो मेरी तो कोई प्रॉपर्टी। हाँ, शिव आकर के जो अकूट ज्ञान का भंडार देते हैं, हाँ, वो मैं बच्चों को बांट रहा हूं, नहीं बांट रहा हूं, जितना भी मैंने समझा उतना दे रहा हूं, जो सुनाया सो सुनाए रहा हूं, कि मनन चिंतन मंथन करके सुनाए रहा हूं, है?
अमृत बना के सुनाई रहा हूं। मंथन करके अमृत निकाला जाता है ना, हाँ, तो वो अभी मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं। तो जिस प्रॉपर्टी को मैं तुम बच्चों को दे दूं और जो तुमको मिले, प्रॉपर्टी जिसकी मिलनी है उस उनको याद करो। प्रॉपर्टी जिसकी मिलनी है, किसकी मिलनी है? मिलनी है अभी वर्तमान संगम में किसकी प्रॉपर्टी मिलनी है? संगम में तो ज्ञान की प्रॉपर्टी मिलती है। किसकी? शिव की। एक ही आत्मा है सुप्रीम सोल जो ज्ञान की प्रॉपर्टी देने वाली है, है? तो जिसकी प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। अरे यहां बहुवचन कर दिया और यहां जिसकी कह के एक वचन कर दिया, क्यों? क्योंकि अखूट ज्ञान के भंडार की प्रॉपर्टी देने वाला तो शिव ही है, सुप्रीम सोल। लेकिन वो अखूट ज्ञान की भंडार की प्रॉपर्टी जो है मुकर्रर रथधारी अर्जुन को मिलती है। अर्जुन के रथ में प्रवेश किया ना, कि कोई और रथ दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? भगवान का रथ कौन सा दिखाते हैं? अर्जुन ही दिखाते हैं ना। हाँ, तो उनको याद करो। किनको याद करो? वो रथधारी के रथ में मैं प्रवेश करता हूं, मेरे को भी याद करो। और जिस रथ में प्रवेश करता हूं दोनों को याद करो। तो उनको कहेंगे कि एक कहेंगे? क्या कहें? उनको कहेंगे, उनको याद करो। तो वो ही तुम कहते हो, तुमको कहते हैं माम एकम याद करो। इसका मतलब ये नहीं मुझे एक बिंदी को याद करो। कैसे याद करोगे? मुझे एक बिंदी को कैसे याद करोगे? करोगे? कर सकोगे? कौन सी बिंदी? बिंदी 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 बिंदी, सारी मनुष्य आत्मा बिंदी और सारे प्राणी मात्र, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब क्या बिंदी है? तो किसको याद करोगे? लसड़े में पड़ जाओगे? नहीं, मुगालते में पड़ जाओगे कि नहीं? हाँ। तो कहते हैं माम एकम याद करो का मतलब है कि जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं उस माम एकम को उसके द्वारा मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि टेम्परेरी रथों में भी प्रवेश करता हूं तो उनको भी याद करो। माम एकम का मतलब क्या हुआ? एक रथ में याद करो मुकर्रर रथ में, कि कोई भी रथ में, टेम्परेरी रथों में भी याद करो? नहीं, माम एकम याद। समझा ना बच्चे? वो बाप की तो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कभी कभी मामला भी चलता है। क्या कोर्ट में मामला केस चलता है कि नहीं? हाँ चलता है, झगड़ा चलता है। अगर शादी नहीं करेंगे तो हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे। बाप लोग ऐसे कहते हैं ना, लौकिक बाप में तो ऐसे ही कहते हैं, शादी करो है, बच्चे पैदा करोगे तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी देंगे, तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी देने वाले नहीं। हाँ, तो शिव सुप्रीम सोल किसको कहते हैं? ये खास है, ये परंपरा कैसे पड़ गई कि बाप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी इसीलिए देना लौकिक में देते रहे कि ये पक्का एग्रीमेंट करवा लेते हैं बच्चों से कि शादी करोगे बच्चे पैदा करोगे तो प्रॉपर्टी ले लो, और तुम शादी नहीं करोगे बच्चे पैदा नहीं कराओगे संसार चलाओगे नहीं तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी देने वाले नहीं है। ये परंपरा किसने शुरू की है?
शिव सुप्रीम सोल ने ये परंपरा शुरू की। किसके साथ एग्रीमेंट किया है? मुकर्र रथधारी के साथ एग्रीमेंट किया कि भाई शास्त्रों में तो भले लिखा है कि ब्रह्मा के पहले पहले चार पुत्र हुए और चारों पुत्र सन्यासी बन गए। क्या? तो ब्रह्मा असंतुष्ट हो गए है? हा, अब चारों पुत्रों में जो पहला पुत्र था वो तो बड़ा ज्ञानेश्वर था ना, ज्ञानियों का ईश्वर था, योगियों का ईश्वर था। तो उसने कहा हम ब्रह्मा का वर्षा क्यों लेंगे, हम किसका लेंगे? ब्रह्मा में जो प्रवेश करके जो अकूट ज्ञान का भंडार देता है हम तो उसका वर्षा लेंगे। किसका लेंगे? अकूट ज्ञान का भंडार, क्योंकि ज्ञान जो है ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है जिससे ऊंची शक्ति, उससे ज्यादा पवित्र पावर के और कोई चीज में दुनिया में होती नहीं। इसीलिए गीता में भी लिखा हुआ नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। शुरू चंद्रगुप्त जैसा सम्राट क्यों न हो भारत का है, लेकिन वो उसको भी किसके सामने झुकना पड़े, किसी के सामने झुकना पड़ेगी नहीं, किसके सामने? चाणक्य के सामने झुकना पड़े। क्यों क्यों झुकना पड़ा? हाँ, क्योंकि चाणक्य में जो ज्ञान था वो चंद्रगुप्त में वो ज्ञान का भंडार नहीं था। और ज्ञान का भी भंडार ऐसा चाहिए, कैसा? पवित्र, पवित्र ब्राह्मण, ब्राह्मण पवित्र होने चाहिए ना। अपवित्रता है थोड़ी बहुत तो क्या होगा, क्या अंतर पड़ेगा? नीची कुरी के ब्राह्मण बन जाएंगे। क्यों ऊंची की बुढ़ी कुरी के बनेंगे? नहीं, ऊंचे ते ऊंची कुरी के ब्राह्मण, चोटी के ब्राह्मण बनेंगे जिससे ऊंचा कोई ब्राह्मण होता ही नहीं, जिसकी यादगार दुनिया में दिखाते हैं एवरेस्ट शिखर। क्या? दुनिया के जितनी भी चोटियां हैं पहाड़ों की, उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट चोटी है, एवरेस्ट। हा, पश्चिमी सभ्यता नहीं, ईस्ट माने पूर्वी सभ्यता का सरताज। तो बाबा ने बताया कि देखो प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा चलता है, अगर शादी नहीं करेंगे तो हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे। तो ये परंपरा शिव बाप ने आकर के चलाई। तो दुनिया के जितने भी बाप हैं वो यही बच्चों के साथ पर शर्त रखते हैं, चले चाहे बड़ा बच्चा ही क्यों न हो हैं, लंबे काल की प्योरिटी से पैदा क्यों न हुआ हो, उसके भी साथ क्या शर्त रखेंगे? क्या? कि भाई शादी करो, शादी करोगे तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी अपनी दें। तो भले सत्य सनातन धर्म की स्थापना अल्लाह बंदीन के द्वारा होती है, लेकिन जो अल्लाह है ऊंचे से ऊंचा कहा जाता है। कौन है अल्लाह? कौन है अल्लाह? अच्छा, सबसे ऊपर वाला अल्लाह है। अल्लाह माने मालूम है क्या? अल्लाह माने क्या? अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। तो ऊंचे और नीचे की बात जहां आती है वो तो इस दुनिया की बात है ना, है कोई आत्मलोक की बात थोड़े ही है। हाँ, तो इस दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा तो विश्व का बादशाह हुआ। विश्व का बादशाह कौन बनता है? वो ही बन सकता है जो शिव बाप की, सुप्रीम सोल की अकूट ज्ञान भंडार की प्रॉपर्टी लेके दिखाए। तो वो क्या बन सकता है? विश्व का मालिक। लेकिन शर्त है, विश्व का मालिक तो बन जाएगा अकूट ज्ञान का भंडार लेकर के, बाप समान ज्ञान ही बन गया, लेकिन शर्त क्या है?
उस ज्ञान को है विश्व में बांटना पड़े। उस ज्ञान को कोई को आप समान नहीं बनाएंगे तो फिर वो वर्षा नहीं मिलेगा। तो अगर शादी नहीं करेंगे तो हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे। ये परंपरा चलती है ना, राजाओं में भी ये परंपरा चलती रही, लौकिक बाप भी आज भी प्रॉपर्टी के लिए ऐसे ही बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कहते हैं। कौन है? अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो हम तुमको वर्षा नहीं देंगे। ये ऐसे नहीं कहते हैं। कौन ऐसे नहीं कहते हैं कि पवित्र नहीं बनेंगे, नहीं रहेंगे तो हम तुमको वर्षा नहीं देंगे। हम तुमको ऐसे नहीं कहते हैं, है? कि बाबा तुमको वर्षा नहीं देंगे, है? बाबा अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो वेद का बाप का वर्षा नहीं देंगे। क्या बा? बाबा कहते हैं, बाबा साकार निराकार का मेल हुआ ना, तो वो कहते हैं कि बाप को याद जरूर करना पड़ेगा। बाबा को याद करो, लेकिन बाबा के साथ साथ क्या क्या याद करो? साकार निराकार के मेल को याद करो, लेकिन साथ साथ सुप्रीम सोल को भी याद करो। बाप का बेहद का वर्षा, कौन सा बेहद का वर्षा? ज्ञान का जो भंडार है वो नहीं देंगे। वो कब मिलेगा है? अगर पवित्र रहेंगे तो बुद्धि में ज्ञान टिकेगा, और पवित्र नहीं रहेंगे तो ज्ञान नहीं टिकेगा। मन में अपवित्रता का विचार आया है, देह का सुख भोगने का विचार आया, या देह की इंद्रियों का सोखने का विचार आया, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? बेहद ज्ञान का वर्षा नहीं मिलेगा, निकल जाएगा, बुद्धि में से उड़ जाएगा। ओम शांति।